कौन, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। तो आज की मेरी रेसिपी है फ़िश फ्राई। तो ये है, डिफरेंट टाइप की बनाने वाली हूँ मैं, और आपके साथ इसके जो मसाला जो बनने वाला है वो भी शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ये है धनिया, 2 टीस्पून धनिया ली हूँ मैं। ये है सौंफ, 1/2 टीस्पून सौंफ है। और ये है ज़ीरा, ज़ीरा है 1 टीस्पून। काली मिर्ची, काली मिर्ची ली हूँ मैं 1 टीस्पून फुल। और ये है 5 से 6 इलायची है। और ये है 7 लाल मिर्ची। और ये है कस्तूरी मेथी, 1/2 टीस्पून ली हूँ। और ये है जावित्री का फूल, थोड़ा सा ये ली हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, फिश को अच्छे तरीके से वॉश करके इसका पानी जो है अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है। यहाँ पे देखिए, जो सारे मसाले हैं ना, उसको हल्का सा मैं रोस्ट कर लूंगी, थोड़ी सी इसमें जो खुशबू आई ना, जब तक उसको रोस्ट करना है। मिर्ची, काली मिर्ची और लाल मिर्ची जो है ये भी इसमें डाल दूंगी और इसको हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। तो ये देखिए, ये मसाला मैं आपको बता रही हूँ, जितनी क्वांटिटी में आपको बता रही हूँ उस तरीके से ही आपको लेना है। और आप एक्स्ट्रा बना के भी इसको रख सकते हैं, आपको जितना आप फिश फ्राई कर रहे हैं उस हिसाब से लेके डाल ले सकते हैं। जो थोड़ी कसूरी मेथी है ना, वो भी इसमें ऐड कर लूँगी और एक थोड़ी मिनट 2 मिनट रखूँगी, इसके बाद इसको निकाल दूँगी। ये जी, यहाँ पर हमारे मसाले हो गए हैं रेडी, अब मैं इसको निकाल दूँगी, ये भी इसमें डाल दूँगी। ये जो छोटा सा दालचीनी का पीस है ये भी इसमें डाल दूँगी और इसको ग्राइंड कर दूँगी। इसको ग्राइंड करने के बाद इसके अंदर से 2 टीस्पून फुल मसाला मैं लेने वाली हूँ। ये हमारा मसाला हो गया है रेडी, करते हैं मसाला रेडी। तो ये है 1 टीस्पून नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। स्पून ले रही हूँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, स्पून ले रही हूँ लाल मिर्च, स्पून ले रही हूँ हल्दी। मसाला है, मसाला मैं लेने वाली हूँ 2 टीस्पून फुल मसाला, 2 टीस्पून फुल मैं लेने वाली हूँ। देखिए, यहाँ पे ली हूँ मैं 3 नींबू, ये नींबू इसके अंदर ऐड कर दूंगी। बनाइए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त, और खुशबू तो इतनी अच्छी आएगी इसमें माशाल्लाह से। मसाला अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर चुकी हूँ और इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल। देखिए, मसाला हमारा रेडी हो गया है, अच्छी तरीके से जो है मसाला मैं लगा दूंगी। मैं फ़िश ली हूँ, 1 kg मेरी फ़िश है, इसको अच्छी तरीके से मसाला लगा के रख दूंगी। आप जितना लेना चाह रहे हैं, आपकी फ़िश जितनी है मसाला, उस हिसाब से ही लगा लीजिए। लीजिए, फ़िश को हम मसाला अच्छी तरीके से लगा चुके हैं, अब मैं इसको रख दूंगी आधे घंटे के लिए। आप चाहे तो इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपको आधे घंटे के बाद। जी, यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, तो अब करते हैं फ़िश फ्राई करने की तैयारी। आपको मैं 2 टाइप की फ़िश फ्राई करके बताऊँगी, एक है डीप फ्राई करने की और एक है कम तेल में तलने वाली। और तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तेल हमारा गरम हो रहा है, यहाँ देखिए तेल भी हमारा अच्छी तरीके से गरम हो गया है। चलिए बिस्मिल्लाह, चलिए इसे भी पलट लेते हैं। इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी क्रिस्पी सी डीप फ्राई फिश यहाँ पर रेडी हो गई है। फिर इसको भी निकाल लेते हैं, देखिए एकदम क्रिस्पी है ये और बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना इसको। देखिए, बिल्कुल ही कम ऑयल ली हूँ मैं, यहाँ डाल दूँगी। देखिए, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे इसको रख के फ्राई करना है, पर ढक्कन भी ढाँप दूँगी। इससे क्या होगा, आपकी फिश जो है अच्छी तरीके से फ्राई भी हो जाएगी और कच्ची भी नहीं रहेगी। तो इसको जो हम पलट लेंगे, चेक करते हैं, हमारी फिश यहाँ पर हो गई है रेडी। देखिए, एकदम हो गई है रेडी। ये है कम ऑयल में मैं इसको फ्राई करी हूँ, एकदम जो है मसालेदार हमारी फिश एकदम रेडी हो गई है। यहाँ पे देखिए, हमारी 2 टाइप्स की फ़िश रेडी हो गई है। ये है कम ऑयल वाली और ये है डीप फ्राई। तो मैं कम ऑयल वाली आपको बताऊँगी। तो यहाँ देखिए, माशाल्लाह से देखिए अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। देखिए, तो मसाला भी है यहाँ पर और जो है फ़िश भी हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। तो मैं आपको जिस तरीके से बताई आप उसी तरीके से फ्राई करना है। यहाँ देखिए, डीप फ्राई फ़िश जो है ये भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। देखिए, तो बस आज की मेरी यही रेसिपी थी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।
you.